हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं एमजी मनीष गुरु, जीएस टीचर फ्रॉम पटना बिहार। और अभी आपका 5 सितंबर वाला सेकंड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हुआ है। हम लोग डिस्कशन करेंगे कैसा गया एग्जाम, कैसा गया बताइएगा एग्जाम आपका। अच्छा, ठीक ठाक ही था। आपका कैसा गया एग्जाम? क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट आ रहा है। कितना क्वेश्चन सॉल्व किया आप? 85 क्वेश्चन। यस सर। और आप कितना किए हैं? 81 अच्छा, बताइएगा कि कुछ कौन सा जोन है आप लोग का? जोन रांची। आपका भी रांची जी। तो कुछ क्वेश्चन आप लोग का कैसा गया आपका एग्जाम? क्या एग्जाम कैसा गया? अच्छा गया। कितना क्वेश्चन सॉल्व किया है? 70 कुछ क्वेश्चन बताइए कि साइंस का कहाँ से कुछ क्वेश्चन आया हुआ था? साइंस वही लाइट वाला है और करंट से आ रहा है। लाइट और करंट से आ रहा है। लाइट से कौन सा? दर्पण फॉर्मूला से आ रहा है क्या? हाँ, दर्पण और दोनों आ रहा है, लेंस और दर्पण दोनों। फोकस वाला। किस टाइप से? जरा सा कुछ क्वेश्चन हल्का सा आइडिया दीजिए। जैसे फोकस दूरी दे दिया और बीम का दूरी दे दिया, तो उसका भी पूछ रहा है। अच्छा, वैसे पूछ रहा है दूरी वगैरह। दूरी अच्छा, और क्या बोले? प्रकाश से कुछ है, आपतन कोण परावर्तन कोण का मान। अच्छा, वहाँ से क्वेश्चन पूछा वो कितना डिग्री का एंगल बनाता है, वो पूछा कितना डिग्री का एंगल बनाता है। बायोलॉजी का कितना क्वेश्चन था? बायोलॉजी का था क्वेश्चन 7 से 8 क्वेश्चन। 7 से 8 क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चन बताइएगा हल्का से, कुछ अगर आइडिया हो तो थोड़ा सोच के। बायोलॉजी का किसी को क्वेश्चन? बायोलॉजी का उसमें था जो ज्यादा लंबा था। कैसे था? फोटोसिंथेसिस से क्वेश्चन था, प्रकाश संश्लेषण से, प्रकाश संश्लेषण से, ब्लड से था, प्रकाश ब्लड से था। क्या था, किस तरह का क्वेश्चन था? ब्लड से कैसा क्वेश्चन था? अच्छा, स्टैटिक जीके का कुछ क्वेश्चन आया हुआ था क्या? स्टैटिक जीके का नदियाँ यहाँ से कुछ भी कुछ नहीं, नहीं। इतिहास भूगोल से यहाँ से कुछ नहीं। वही है, जेम्स फोर्ड वाला आया था उसका 1919 वाला। क्या था बताइए क्वेश्चन? वही वो जेम्स फोर्ड 1919 में कौन आया था? जेम्स फोर्ड लागू किया गया था। जेम्स फोर्ड 1919 में लागू किया था, वही था क्वेश्चन। उसके बाद था ये छठ पर्व है। छठ पर्व था, कहाँ से? छठ पर्व माने कौन सा भगवान को माना दिया जाता है? सूर्य भगवान को। अच्छा, छठ पर्व से क्वेश्चन आया हुआ। फिजिक्स में कितना न्यूमेरिकल होगा जो क्या बत्तख कोई भगवान के कोई अथी है तो उसी को दिया था? कुछ इंद्र भगवान का हंस वाला था। हंस संप्रदाय मतलब कौन भगवान को पूछता है वो था। अच्छा, तो फिजिक्स का न्यूमेरिकल लगभग कितना था आपके हिसाब से? न्यूमेरिकल नहीं था, समतुल से था, प्रतिरोध समतुल वोल्ट वाला था ना, वो सब था। दे दिया था 3-4 और उसको समांतर क्रम में करना था। अच्छा, मतलब कैसे था? 3 रेजिस्टेंस को दे दिया था श्रेणी क्रम में, 8 ओम 6 ओम 5 ओम का दे दिया और तीनों को समांतर क्रम में ऐड करना था। और बताइएगा कि न्यूमेरिकल केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन से भी था? एक या दो क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से भी था जी। 343 के एक माने देवनागरी लिपि को, हिंदी भाषा में 343 के एक है ना, उसमें किस भाषा को माने दिया गया, मान्यता दिया गया उसमें, जो समानता का अधिकार होता है आर्टिकल 15 में, उसी के बारे में दिया हुआ था, उसी से भी एक क्वेश्चन आया था जी। आर्टिकल 15 में पूछा था। अच्छा, आप लोगों को जो है कुछ थोड़ा सा एक बात बताएंगे, जो कि कुछ स्टूडेंट जो है काफ़ी नेगेटिव कमेंट करते हैं, ये काफ़ी दुख का बात है। सबसे पहले हम एनालिसिस करवा लेते हैं, उसके बाद आपको हम लास्ट में बताएंगे देखिए क्या बात है। अच्छा, और बताइए कि मैथ्स का कैसा लेवल था? मैथ्स का थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा था, मतलब थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा था। क्या बोले, आपको टफ लगा? नहीं नहीं, प्रॉफिट लॉस से पसंद था और CI से 1-2 था। एडवांस में कितना क्वेश्चन? एडवांस एक एरिया वाला था और साइन थीटा कॉस थीटा आ ही रहा। एरिया वाला क्षेत्रफल क्या बोले आप? ट्रिगो से था क्वेश्चन एडवांस में और एरिया वाला था। अच्छा, केमिस्ट्री में बताइएगा कुछ कार्बन से कुछ क्वेश्चन था क्या? कार्बनिक से ऐसा कुछ या फिर बॉन्ड से? कौन सा केमिकल रिएक्शन पूछ रहा था कि कौन सा केमिकल रिएक्शन होगा? साइक्लोक्लोरोपेंटेन पूछा, साइक्लोपेंटेन। अच्छा, उसमें ऐसे पूछा था क्या बोले? साइक्लोक्लोरोपेंटेन से कुछ था, साइक्लोपेंटेन दे दिया था। कितने आबंध हैं? कितने आबंध होंगे? 5, 10, 15, 18 ऐसे ऑप्शन था। ऐसे कुछ क्वेश्चन। ओवरऑल पेपर को क्या कहा जाए, हार्ड इजी मॉडरेट में से तीनों में से क्या कहिए? क्या हम कहिए भैया, कुछ नहीं हम बता सकते। साइंस का 25 क्वेश्चन आ रहा है, 25 क्वेश्चन टाइम मैनेज के ऊपर है। टाइम मैनेज हो गया तो हल्का है, नहीं तो भारी है, सीधी सीधी बात है। रीजनिंग का लेवल कैसा था? रीजनिंग वही पूछे है, पुरानी वाला ऊपर बैठा है, नीचे बैठा है, दाएं बैठा है, वो सब तो है। पजल था, सिटिंग अरेंजमेंट था, उसके बाद मिसिंग नंबर था। हाँ, मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर ऐसा क्वेश्चन था दो दिन को, मिसिंग नंबर से वर्ग वाला था और आयत वाला था, वृत्त वाला है ये नहीं था। वृत्त वाला आप नहीं दे रहे? नहीं दिया था पहले भी, तो वृत्त वाला दिया हुआ। आज खाली वर्ग और आयताकार दिया था, यहाँ से दिया हुआ। हाँ, और फिर ऊपर नीचे वाला था, मकान 1, 2, 3 करके 5 तक बैठे हुए। तो अच्छा, DI किस टाइप से आया था? DI वही मैंने दिया था, मतलब इसी कर कि 2015-16 मैंने कितना प्रतिशत बढ़ेगा, वही था DI से। मतलब कौन सा सर्कल वाला DI था, गोला वाला या फिर स्क्वायर वाला, बार वाला? बार, डाटा वाला था। कौन सा था? बार वाला आपका आया हुआ। अच्छा, हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, बताइएगा कि विद्युत धारा चैप्टर से क्वेश्चन आया हुआ था लगभग? हाँ, विद्युत धारा से क्वेश्चन बहुत सारा था, बहुत सारा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन। अच्छा, रासायनिक अभिक्रिया से कितना क्वेश्चन था?
क्वेश्चन था, रासायनिक अभिक्रिया किस विधि से संतुलन किया जाता है? अच्छा, क्वेश्चन था उसका। कौन सा विधि द्वारा संतुलित किया जाता है? क्वेश्चन नहीं था कंप्यूटर का किसी शिफ्ट में लगभग क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना, है या नहीं है बराबर का? पीरियोडिक टेबल से बताइए, कुछ क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल से था। दूसरा समूह में पूछ रहा था, दूसरा समूह का संयोजकता कितना होगा? दूसरा समूह का पूछा हुआ था जो कि वैलेंसी संयोजकता उसमें दो होता है, वही वाला पूछा। दूसरा समूह का पूछा हुआ था और कुछ भी डोमेनियर या न्यूलैंड का यहाँ से कुछ भी आज नहीं अति मेंडलीफ का पूछा था कि मेंडलीफ में क्या त्रुटियां था? अच्छा, मेंडलीफ का त्रुटियां पूछा था, क्या क्या उसमें नहीं था? स्टेटमेंट दिया था मेंडलीफ का। अच्छा, और तीन चार स्टेटमेंट देकर पूछा था, मतलब ये कौन सही है कौन सा सही है, हाँ कौन गलत है। हाँ, मैथ्स में बताइए कि एलसीएम एससीएफ आया हुआ था? हाँ, एलसीएम का था, क्वेश्चन था कम से कम एलसीएम का एक क्वेश्चन था, वो पॉइंट में डिजिट था। इसका कौन कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन था एक बता दीजिए? डायमंड वर्क हो गया, डायमंड वर्क से तीन चार क्वेश्चन था, डायमंड वर्क से तीन चार क्वेश्चन। हाँ, और नाव धारा से भी था आज क्वेश्चन, साधारण भी आज चक्रवृद्धि भी आज का, और क्या रीजनिंग में वो अथी था, क्या बोलते हैं, सीआई से क्वेश्चन था, एज प्रॉब्लम से क्वेश्चन था, एज प्रॉब्लम से भी क्वेश्चन था। तो लगभग ओवरऑल पेपर को क्या कहें, मॉडरेट कहें? मॉडरेट कह दीजिए, क्या दिक्कत? आप कितना अटेम्प्ट किए हैं? हम 70 किए हैं। 70 की, आपका जोन? जोन मेरा बिलासपुर है। बिलासपुर, आप लोग का जोन क्या है? हम लोग का रांची है। 55 अटेम्प्ट किए हैं। आप 55 अटेम्प्ट किए हैं, रांची है। आपके कितना अटेम्प्ट किए हैं? 71। आपका जोन क्या है? इलाहाबाद। इलाहाबाद, ठीक है। तो धन्यवाद आप लोग का एनालिसिस देने के लिए, और आप लोग ये देखेंगे ये जो पूरा आपका जो क्वेश्चन है इसको जो है आपको हम टेलीग्राम पे आपको फ्री में पीडीएफ अवेलेबल करवा देंगे। लेकिन कुछ भी स्टूडेंट जो है कुछ है काफ़ी नेगेटिव कमेंट करते हैं इतना मेहनत करने के बाद, और आप लोग को बता दें कि खासकर जो लोग हमसे काफ़ी सपोर्ट करते हैं आप लोग को इसको जवाब देना है, और जो लोग नेगेटिव करते हैं आप लोग को बता दें कोई भी आपको ऐसा टीचर नहीं है जो कि सेंटर से एनालिसिस करवाने के बाद आपको जो है दोबारा रात में क्लास भी करवाए। हम आपको काफ़ी पहले क्लास करवा चुके हैं केमिकल रिएक्शन का, हम आपको वही क्लास करवाते हैं जो क्वेश्चन आपका रिपीटेड आता है, जैसे केमिकल रिएक्शन, पीरियोडिक टेबल आप देखे होंगे तो करीब करीब 3000 के क्वेश्चन में उमंग स्टडी के चैनल पर भी हम जो है पढ़ा चुके हैं, बहुत सारा करवाए हैं, फिर भी कुछ लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं। लेकिन खैर छोड़िए, जितने भी हमें सपोर्ट करते हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जो लोग हमें अच्छे दिल से पसंद करते हैं आप लोग ही उन्हें जवाब दीजिएगा। और दूसरा जो तरीका है कि आज आपका रात में 8:30 बजे हम लोग लाइव करेंगे, ओम्स लॉ और विद्युत धारा से जो भी आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है सेम पैटर्न पे हम लोग जो है आज रात में 8:30 बजे लाइव जो है आएंगे और आपका इसी चैनल पे क्लास करेंगे। वैसा ही क्वेश्चन जो कि आपका सेम 2 से 3 क्वेश्चन आपका हर एक शिफ्ट में, जैसे ओम्स लॉ वाला हो गया, फिर आपका प्रतिरोध, आपका श्रेणी क्रम में एक रिवीजन प्रैक्टिस के तौर पर करेंगे और एनसीईआरटी का पैटर्न पर करेंगे। तीसरा नंबर पॉइंट आप लोग के लिए है कि जो भी क्वेश्चन अभी आपका साइंस का आया हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का, हमारे टेलीग्राम पर हम उसको ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, हर एक शिफ्ट का टेलीग्राम पर पीडीएफ जो है फ्री में अवेलेबल है साइंस का और आपका जीके जीएस का, तो टेलीग्राम को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। चैनल पर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट दिखाइए, और जो भी वीडियो को अंत तक देखते हैं आप लोग से पूरा जो है जो भी नेगेटिव कमेंट करते हैं आप ही के ऊपर भरोसा है, आप ही जो है उन्हें जवाब दीजिए और अपना प्यार दिखाइए। धन्यवाद सभी।